in this session, we are going to talk about the institutions that play an important role in defining or developing the financial sector. so financial sector may, muhtalif tarhaki, financial institutions, hoti hai. so there are two major categories in which all these institutions can be split into. सेक्टर्स uh, इंस्टीट्यूशंस को ऑब्जर्व करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर को जो डिफ़ाइन करते हैं एक तो बैंक्स हैं दूसरा नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आप एन बोलते हैं सो वेन वी टॉक अबाउट द बैंक्स वी लुक एट द कमर्शल बैंक्स और द शेड्यूल्ड बैंक्स और हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इन पाकिस्तान वी हैव लोकल बैंक्स वी हैव पब्लिक बैंक्स वी हैव फॉरन बैंक्स ऑल्सो तो जब हम बैंक्स की बात करते हैं तो इनको रेगुलेट करने के लिए देर इज ऑलवेज अ सेंट्रल बैंक विच रेगुलेट्स द बैंक्स वेदर दे आर कमर्शल बैंक्स और द फॉर बैंक्स और द नेशनल बैंक्स एट्सट्रा बट देन देर इज दिस एन अदर कैटेगरी ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस ये भी पैसे के लेन देन में काम करती हैं मगर इनके रोल्स बैंक के रोल से डिफरेंट हैं लिहाजा दे आर नोन एज अ नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियटरीज में वी हैव अदर डिपॉजिटरी सेविंग इंस्टीट्यूशंस जिनका बेसिक काम क्या होता है वो लोगों से उनके सेविंग्स को अपने पास रखते हैं और उस मनी को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए और जो लोग अपनी सेविंग्स को इनके पास डिपॉज़िट करते हैं उनको ये एक प्रीडिफाइंड प्रोमिस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं और जो मनी इनको मिलती है उसको मुख्तफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है

ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एंड बाई द एंड ऑफ दैट मच्योरिटी या आपने जितने साल की इंश्योरेंस बाई किया है उसके बाद आपको कंपनी इनकेस uh, अगर कोई भी कोई भी मसला पैदा हो जाता है तो फिर आपको कंपनी फाइनेंशियल हेल्प करती है जितने भी अमाउंट की आपने इंश्योरेंस पॉलिसी बाय किया होता है सिमिलरली पीपल गो फॉर देयर लाइफ इंश्योरेंसिस दैन देर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन विच द इंफ्रास्ट्रक्चर द बिल्डिंग्स द मटीरियल कंप्यूटर सिस्टम्स या कोई भी इस तरह की जो स्ट्रक uh, इक्वमेंट um, है इन सब चीज़ों की आप इंश्योरेंस करा सकते हैं अगर कुछ उसमें मसला हो जाए टेक्निकल फॉल्ट आ जाए सैलाब आ जाए कुछ भी इस तरह का मसला हो जाए आग लग जाए तो आप क्लेम कर सकते हैं एंड यू कैन टेक द मनी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डैमेज देन वी हैव दीज पेंशन एंड रिटायरमेंट फंडर आर दीज कंपनीज दैट आर स्पेसिफिकली डेवलप्ड और दे आर इस्टेब्लिश्ड बाई uh, considering कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट के लोगों ने साठ uh, साल या सिक्सटी फाइव ईयर्स जो भी किसी मुल्क में रिटायरमेंट एज है उसके बाद वो लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं वो उस तरह से काम नहीं कर पा सकते जैसे वो साठ साल से पहले करेंगे तो उसके बाद उन्होंने अपना खर्च तो करना है वो कहाँ से लेके आएंगे तो अभी जब वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं या जब वो जॉब हैं तो उसमें से कुछ पैसा उनकी कंपनी उनकी कंपनीज़ या वो ख़ुद या हुकूमत या दो सब लोग मिल Um, किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते जाते हैं और जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको वो मंथली बेसिस के ऊपर uh, कोई रिटर्न प्रोवाइड करते हैं तो दिस इज दिस इज़ व्हाट दिस मेंट बाय द पेंशन एंड द रिटायरमेंट फंड्स देन वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स सो जनरली वी हैव दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेशियल सेक्टर इनके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंक होती हैं वेंचर कैपिटल फ़र्म्स हैं एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं जिनको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स भी बोलते हैं और इसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं सो आई एम गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन ब्रीफली बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स वी मीन दैट इफ़ अगर कोई भी कॉरपोरेशन के लिए कोई भी कंपनी के लिए किसी भी कारखाने को एक बिगर अमाउंट ऑफ मनी चाहिए तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास जाती है और उनसे वो पैसे बॉ कर सकती है मेरे पास सरप्लस अमाउंट है मैं इन्वेस्टमेंट बैंक में जाके अपने पैसे डिपॉजिट करूंगी तो इन्वेस्टमेंट बैंक मेरे वो पैसे लेके या कंपनी से पैसे लेके के आगे मुख्तलिफ कंपनी जो कि कैपिटल डेफिसिट हैं जिनको पैसा चाहिए जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल दरकार है वो उनसे बोरो करेंगी उनको एक सर्टन टर्म्स एंड कंडीशनस के मुताबिक कोई रेट ऑफ़ इंटरेस्ट डिफाइन होगा और वो वहाँ से अपना पैसा ले सकते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर इस्टेब्लिश्ड सोलली फॉर द पर्पज़ ऑफ़ प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस दे आर डिफरेंट फ्राम वेंचर कैपिटल फर्म्स वेंचर कैपिटल फर्म्स इससे मिलती जुलती फर्म्स हैं लेकिन वो हमेशा जब आप कोई भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी को बनाने जा रहे हैं इनिशिएट करने जा रहे हैं तो आपको तब वो फाइनेंस करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक में आप uh, किसी भी स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं आपकी कंपनी आपको पैसे चाहिए यू कैन गो टू इन्वेस्टमेंट बैंक एंड यू कैन टेक द मनी फ्राम दैम एंड देन यू कैन यू नीड टू रिटर्न द मनी इन एडिशन टू द प्री डिटर्म इंटरेस्ट रेट जो आपको इन्वेस्टमेंट बैंक को वापस करना पड़ता है देन वी एव कॉट एसेट मैनेजमेंट फर्म्स या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स जिनका काम है बेसिकली कि वो uh, इस uh, आपके जो जो भी आपके म्यूचुअल फंडस हैं या आप पेंशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें इन चीज़ों को मोनिटर करती है और इनके ऊपर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है इनको ऑब्ज़र्व करती है सो वी हैव दीज एसेट मैनेजमेंट फंड्स एज स्पेशल पार्ट्स इन द एग्जिस्टिंग बैंक्स या कोई भी जो कंपनीज बने हुए फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टमेंट बैंक है उनमें एक स्पेशल पार्ट्स बनाए जाते हैं जिनका काम बेसिकली मॉनिटर एंड ऑब्जर्वेशन एंड फैसिलिटेटिंग है कोई भी इस तरह के एक्स्ट्रा जो भी वहाँ इन्वेस्टमेंट के अपॉरचुनिटीज या लोगों को ऑफ़र किए जाते हैं नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ इंफॉर्मेशन सर्विसेज आर दो स्पेसिफिक कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन काम लोगों को फाइनेंशियल मार्केट के मूवमेंट्स के लिए फ्लक्चुएशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है एंड वी हैव कॉट वेरी फेमस कंपनीज़ जो कि बेसिकली डेवलप ही इस वजह से हुए हैं कि वो ये काम uh, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सेकेंड्स के हिसाब से मिनट्स के हिसाब से आप उन डेटा एक्सेस करते हैं आप को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि फ़लाम मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं फलाम मार्केट का इंडेक्स की वैल्यूज़ क्या है एंड वी हैव गॉट स्पेसिफाइड साइट्स फॉर मेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पजेज़ जैसे आपके पास याहू फाइनेंस है वी हैव ब्लूमबर्ग वी हैव रॉयटर्स तो ये सब जो कंपनीज हैं इनका मेन काम क्या है वो आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर वन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन पाकिस्तान अगैन लाइक वी डिस्कास्ट के जब हम फाइनेंशियल इकनॉमिक्स के या फाइनेंशियल इंस्ट्यूशन के लिटरेचर में देखते हैं तो ये बेसिक कैटेगराइजेशन हैं जो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किए पाकिस्तान में भी इसी तरह से बैंक्स हैं और फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं बैंक्स में वी हैव पब्लिक सेक्टर बैंक्स वी हैव लोकल प्राइवेट बैंक्स वी हैव फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान दैन वी हैव माइक्रो फाइनेंस बैंक्स माइक्रो फाइनेंस बैंक्स वो होते हैं जहाँ आपको छोटे डिनोमिनेशन uh, के छोटे वैल्यू के कर्जे मिलते हैं प्रोवाइडेड आप उनको बताते हैं कि मुझे ये फ़लाँ काम करना है मैं ऑटपनियोर हूँ मुझे एक स्मॉल बिज़नेस को इस्टेबलिश करना है या स्मॉल बिजनेस इस्टेब्लिश हुई हुई है मुझे उसमें थोड़ी अमाउंट की फ़ंड और मज़ीद चाहिए तो वो आपको सॉफ्ट टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर uh, पैसे लैंड करेंगे और अगैन देर आर सर्टन माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान जो कि आपको गाइडेंस और हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं देन वी हैव गॉट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें सबसे पहले वी हैव डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इनका मकसद इकानमी uh, के मुख्तलिफ सेक्टर्स को डिवेलप करना है दैट इज़ वाई और ये स्पेसिफिकली एक प्रॉपर बैंक का रोल नहीं परफॉर्म करते कि कोई भी जाके वहाँ डिपॉजिट करेगा या उनसे अकाउंट uh, खुलवाएं या कुछ भी इस तरह से यहाँ जो मेन मकसद है वो ये है कि आप एग्रीकल्चर uh, को या इंडस्ट्री को या कोई भी डिफरेंट एरियाज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट को डेवलप करने के लिए मेनली इनका जो पर्पज़ होता है वो ये है नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान देट वी हैव गॉट लीजिंग कंपनीज़ जब आपने कोई भी uh, जो बड़ी किस्म की कोई इक्वमेंट है उसको लीज़ करना है आपके पास सारे का सारा कैपिटल नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रैक्टर लीज़ करनी है या कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट जहाँ आपको बहुत ज़्यादा मनी दरकार है उसमें आप लीजिंग कंपनी के पास जाते हैं और वो आपको इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर फाइनेंस को देंगे द नेक्स्ट इज़ मुदारबा कंपनी सो वी हैव वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द स्टेट बैंक इन पाकिस्तान टू फॉलो श्रिया कम्प्लाइंट बैंकिंग ऑलसो या श्ररिया कम्पलाइंट फाइनेसिंग के लिए हुकूमत काफ़ी प्रमोट करती है कि बींग मुस्लिम कंट्री हमारे पास यहाँ श्रिया कम्पलाइंट फाइनेशियल इंस्ट्रोमेंट्स या फाइनेशियल इंटरमीडियट ऑपरेट करें तो उसमें वी हैव मुदारबा कंपनीज जो कि आपसे पैसे लेंगे और श्रिया कम्पलाइंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपके पैसे डालेंगे देर दिस मुदारि जो कि पैसा देता है और देर रबुलमाल देर इज़ दिस विच ऑपरेट्स द बिजनेस एंड देर इज रबुल माल जो कि साइलेंट पार्टनर है उसको रिटर्न मिलेगा जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगी वो शेयर करेगा लेकिन उसमें जो मेन जो पूरी पूरी एक्टिविटी है वो मुदारबा कंपनीज़ ख़ुद से रन करती है देन वी हैट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ जो कि आपको घर के लिए कर्ज़ा दरकार है आप वहाँ जाके अपने पैसे ले सकते हैं आप, आपको टर्म्स एंड कंडीशन डिफ़ाइन होंगे उसके ऊपर आपको पैसे वापस करने हैं म्यूचुअल फंड्स की म्यूचुअल फ़ंड्स ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान में देन वी हैव गॉट डिस्काउंट हाउसेस जहाँ बेसिकली क्लियरिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वेंचर कैपिटल कंपनीज़ हैं एक्सप्लेन अर्लियर लाइफ इंश्योरेंस हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं तकाफुल है तकाफुल इज़ इंश्योरेंस विच इज़ श्रिया कम्पलाइंट Uh, peer we have reinsurance company uh, there is just one in pakistan which is um, operated by uh, the ministry of commerce so um, let me briefly de describe to you what is a discount house a discount house is basically a firm that buys or sells discounts and negotiates the bills of exchange or some sort of promissory notes so Um, ये बेसिकली लार्ज स्केल के ऊपर काम करते हैं जहां आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को की खरीदो फरोख्त और बिल्स की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं और वी हैव वन डिस्काउंट हाउस ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान जो कि नेशनल बैंक की पार्ट है एंड डैट इज़ कॉल्ड एन बी पी कैपिटल डिस्काउंट लिमिटेड देन वी हैव गॉट द वेंचर कैपिटल कंपनी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था पाकिस्तान में इस वक्त चार डिफरेंट वेंचर कैपिटल कंपनीज़ हैं और इनका स्पेसिफ़िक पर्पज़ ये होता है कि आप अगर कोई भी कंपनी को इनिशिएट करने जा रहे हैं लॉन्च करें बना रहे हैं तो आप इनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं और एट द टॉप ऑफ इट ये आपको मनी भी फाइनेंस करेंगे देन देन लास्ट थिंग विच आई एम गो टू एक्सप्लेन टू यू इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस कंपनी सो री इंश्योरेंस का मतलब है कि इफ़ सपोज देर इज़ दिस इंश्योरेंस कंपनी जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही है तो वो फिर री इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके पार्शल या फुल्ली इंश्योरेंस बाय कर लेती है कि इन केस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम या कोई डिफॉल्ट है या कोई भी इस तरह का मसला है तो अभी मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी तो उसके लिए वो री इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और इन पाकिस्तान दिस इज देर इज़ दिस पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विच इज़ बेसिकली अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड इट वर्कस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इसके पास जितने भी आपके इंश्योरेंस कंपनी हैं ख्वाब और लाइफ इंश्योरेंस है नॉन लाइफ इंश्योरेंस है वो इनसे जाके अपना फर्दर इंश्योरेंस कराते हैं जिसकी वजह से इसको हम री इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं